मेरी लाडली बहनों, आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए और चेहरे पर चमक हो, होठों पर मुस्कुराहट आए, इसलिए भाजपा की सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने कहा, निर्बल जब भी महसूस हुआ तो संबल देने का काम और केवलारी विधानसभा से 28 साल का जातिवाद, अवसरवाद, वंशवाद, परिवारवाद, शोषणवाद को खत्म करके हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आशीर्वाद से संभव हो पाया। 65,000 जन सैलाब के बीच लाडली बहन योजना का महासम्मेलन सम्पन्न हुआ। आधी से ज्यादा जनता कार्यक्रम स्थल खचाखच भर जाने से बाहर से ही अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए करती रही इंतजार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में बहनों के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जिसे आज ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मेरी बहनें राज कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिवानी जिले के नगर पंचायत केवलारी में आयोजित लाडली बहन हितग्राही सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन शुरू की गई है। इस योजना से मेरी सभी बहनों को संबल मिला है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भाई बहन का संबंध स्नेह, आत्मा और प्रेम का संबंध है। बहन बेटियों का सम्मान और उनका कल्याण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैं अक्सर ये गाना गुनगुनाता रहता हूँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि जिंदगी खुशहाल हो, ये मेरे मुख्यमंत्री बनने के साथ हकता है। मध्य प्रदेश में भाई बहन का यह टूट बंधन विकास भी करेगा और जनता का भविष्य भी बनाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पहले बेटी बेटे बेटी में भेद किया जाता था, बेटे को वरदान और बेटी को बोझ माना जाता था। मैंने इस अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया और निरंतर इस दिशा में कार्य किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई, जिससे बेटियों को लखपति बनाने का कार्य किया जाए। आज प्रदेश में 44 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद भी लिया है। आज वे बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। गरीब बेटियों की केवल पढ़ाई लिखाई की नहीं, बल्कि उनके विवाह की जिम्मेदारी भी सरकार उठाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उनका विवाह कराया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुलिस की भर्ती में उन्हें 30% और शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया। बहन बेटियों के नाम से अंचल संपत्ति खरीदने पर उनसे सिर्फ 1% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। अब बहनों के लिए लाडली बहना योजना चालू की गई है, जिससे उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ उन सब बहनों को मिलेगा जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच है, परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है और 4 पहिया वाहन नहीं है। योजना में 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। मई माह में आवेदनों का परीक्षण कर पात्र बहनों के खाते में 10 जून से राशि आने लगेगा। इस योजना को बहनों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हेलीपैड से सीधे सभा स्थल पर आगमन उपरांत सर्वप्रथम विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन साथ ही लोकार्पण किया गया। सभी स्थल पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सभा महासम्मेलन एवं पूर्व कन्याओं का पूजन किया। संबोधित करते हुए दूर दराज जिले भर से आई 65,000 लाडली बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गाना गाकर बहनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। सीएम ने 2:10 में अपना भाषण प्रारंभ किया और 2:25 में मात्र 15 में उद्घोषण रोक करके तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते अपने उद्घोषण को रोकते हुए उपस्थित प्रशासन को अधिकारियों को निर्देशित दिया कि आंधी तूफान तेज है, सुरक्षा की दृष्टि से मेरी सभी बहनें सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाएं, ये काम पहले करना है और सभी को करना है। कार्यक्रम में प्रथम उद्घोषण देते हुए स्थानीय विधायक राकेश पाल ने कहा कि प्रधान मुख्यमंत्री जी मेरे जैसे निर्बल के संबल है। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैंने 28 साल बाद कांग्रेस के वंशवाद और परिवारवाद का किला ठहराया है। क्षेत्र में साल भर में 365 दिन में से 300 दिन सतत जनसंपर्क में रहता हूं। जब जब मैं निर्बलता को महसूस करता हूं, तब मैं आपको स्मरण करता हूं। जिसे संबल मिलता है, आपका नाम मेरी ऊर्जा का स्रोत बनता है। आपकी कृपा से इन 4.5 सालों में अनेक सौगातें दी हैं। 60 से अधिक सड़क स्वीकृति हुई है, 16 बड़े पुल बने हैं, सिविल न्यायालय केवलारी, सीएम राइस विद्यालय, भीमगढ़ बांध की नहरों का सीमेंटीकरण के लिए 204 करोड़ का प्रोजेक्ट कर केंद्र की स्वीकृति होना है, जो महीने के आखिर तक हो जाएगी। 143 गांव पेयजल योजना से जुड़े हुए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल योजनाओं में काम चल रहा। राकेश पाल विधायक के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि प्रदेश के जननायक श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की जो योजना मध्य प्रदेश में चालू की है, ये भारत देश की पहली योजना है जो सीधे घर घर की महिलाओं को सरकार से जोड़ती है। योजना चालू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का इस महासम्मेलन में आभार व्यक्त करता हूं। विधायक राकेश पाल ने मुख्यमंत्री से मांग की करते हुए कहा कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के आलिशान भवन में हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं भी संचालित होगी। ये सीएम राइज विद्यालय के नवीन भवनों पर निर्माण नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 में प्रस्तावित की गई भूमि पर ही बनाया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित विभिन्न मांगे भी सीएम के समक्ष रखी। सीएम से जिला ब्यूरो विनोद कुमार शिशोदिया, CID News मध्य प्रदेश।